तोर धरती तोर माटिए तोर आसमान गा वतोला मैं बंदत हूँ भैया तही भुया के भगवान गा। कार्यक्रम के देखैया जम्मो भाई बनीमल्ला महेंद्र राजू साहू के जय जोहार राम राम। संगी हो हमर कार्यक्रम आप मन देखते न्यूज 36 जनता के आवाज जेने छत्तीसगढ़ी में गुठिया थे और छत्तीसगढ़ी में बतिया थे और छत्तीसगढ़ी भाखा के बात ला जन जन तक पहुंचा थे। यहाँ तक बात करथन जब अन्नपूर्णा माता माता अन्नपूर्णा के बात करबो तो वह हमला अन्न देते अन्न लखा के हम जिंदा रहन। और आज के बात करबो तो हम तो यही कहना चाहबो कि छेर छेरा गे जी छेर छेरा गे जी हाँ छेर छेरा गे जी छेर छेरा गे जी अन्नदान करे के तिहार छेर छेरा गे जी कोठी के धान ला हेरा हेरा औ हेर हेरा गे जी। आप जब वो कार्यक्रम के देखिया भाई बहनी मन लाइक फिर न्यूज 36 के ढले गाड़ा गाड़ा बधाई पहुंचा थे छेर छेरा तिहार के। और छेर छेरा तिहार के धार्मिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में बढ़िया विस्तार में चर्चा करे खातिर आज छत्तीसगढ़ के स्वर सम्राट छत्तीसगढ़ के भजन सम्राट पंडित श्री कुमार तिवारी जी मनकर आज आप मन ले चलबो और अनुभव आप तक पहुँचाबो। पंडित श्री कुमार तिवारी जी न्यूज 36 के विशेष कार्यक्रम छेर छेरा कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। राम राम नमस्कार। राम राम भैया। और मोर तरफ से समस्त छत्तीसगढ़ के जनता ला हमारे मुख्य त्यौहार बड़े त्यौहार और सबसे संस्कारी और सबसे महान त्यौहार छेरछेरा तिहार के गाढ़ा गाढ़ा बधाई। अब आपने जानना चाहते हूँ हाँ। बहुत दिन ले आप मन लोक संगीत की सेवा करत हो और हमार संस्कृति हमार विरासत ले जुड़े हो आप ले जानना चाहबो छेरछेरा तिहार ला आप मन कैसे मनात हो। अब ऐसे है राजू भैया छेरछेरा तिहार हमू उसने मनात हन छत्तीसगढ़ के हर जनता वो तिहार ला उसने मनाते जैसन हमार पुरखा हा मनाता है ठीक है ना। ये ऐसा त्यौहार है छत्तीसगढ़ के छेरछेरा जिन मोर खुद जानकारी में है जिन मैं अपन बड़े बुजुर्ग मन से पूछे हूँ छत्तीसगढ़ के ये वो त्यौहार है छेरछेरा जेला केवल छत्तीसगढ़ में ही मनाए जाते। वाह 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 वाह। और हमारा किसान मन के विशेष रूप से कहिए तो अन्न दान करे के त्यौहार है। बिल्कुल भाई किसान भर मन के नहीं हाँ किसान केवल किसान मन दान नहीं करेगा जी कुल मिला के एक तो भाई मैं पढ़ी बढ़िया बात बतावत हूँ आज सोमवार के दिन है अच्छा भगवान शंकर के दिन अन्नपूर्णेश्वर जिला शंकर भगवान के विभिन्न अलग अलग नाम है जिनमें एक ओकर नाम है अन्नपूर्णेश्वर। अच्छा उसने माता पार्वती जी ने माता पार्वती ही स्वयं अन्नपूर्णा के अवतार है। वाह तो आज के दिन जिन त्योहार होते वो त्योहार जो नहीं हुआ है बल्कि घर घर में अन्नपूर्णा माता के पूजा होते हैं। वाह वाह। और हमन ये घरों सुनथन कि जिन दिन ले माता पार्वती है भगवान शंकर के पति रूप में पाए कि जिन उपासना करी वो दिन की शुरुआत घलो आज एक दिन ले हो रही सकी सुनथन। बिल्कुल और कई तो चीज है पर एकर जहाँ तक एकर संबंध है यह एक पौराणिक चीज होगी जी हमन के जैन पुरखौती जैन ये त्योहार ला मनाए के जैन कारण हमला जैन जानकारी मिली समार छत्तीसगढ़ के बड़े बुजुर्ग मन से आपके बीच आए के पहले भैया हमें ला पूछे कि छेरछेरा तिहार काबर मनाए जाते जी तो हमारे एक बड़े बुजुर्ग बताई बोले 12 महीना व 4 महीना असली होते जब पानी गिरते अन्न के बोना होते अन्न कुंवारी के उत्पादन होते तो किसान भाई मन जिन हमार धान के नाना प्रकार के कीट पतंग है वो कीट पतंग मल्ला मारे लेते वाह ओला मारे के बाद उमन अपन आप में ये मान के चलते कि हमार सो असंख्य जीव के निर्मम हत्या हो है या हमला हम नहीं चाहते तब वो हम मारे हैं ना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जाने अनजाने में जन गलती हो है। हाँ ओकर मोक्ष के खातिर अपन उत्पादन किए हुए अन्न में से अच्छा हर कोई दान करते हैं। वाह वाह। मतलब ये छेरछेरा तिहार है तो एक चीज देखा कतका उमंग उछाले अभी लेके अपन घर झोली धर के निकल गए है ना भाई और कहते गली गली जाके छेरछेरा कोठी के धान ला हेरते हेरा ऐसा ही श्लोक है। हाँ हालांकि हमारे छत्तीसगढ़ के भाषा है हाँ
छेड़छेरा 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 कहूँ कहूँ सीधा बोलते छेड़छेरा माई कोटी के ढाला हे दे हेरा कहूँ कहूँ एला संगीत बद्ध गाय भी जाते छेड़छेरा 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 दाई छेड़छेरा 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 उठ दाई उठ बहनी माई कोटी धानला हेर हेरा छेर छेरा छेर छेरा छेर छेरा। भाई बहनी हो जहाँ तक बात करथन हर त्यौहार के अपन वैज्ञानिक महत्व थे धार्मिक महत्व थे सांस्कृतिक महत्व थे और छेरछेरा के बात करबो तो भाई हमरो मन में जाने की इच्छा होते कि छेरछेरा त्यौहार के हमार पुराण में कहाँ महत्व है। पंडित शिव कुमार तिवारी जी आप स्वर सम्राट फिर आपने हम जानना चाहते हैं छेरछेरा त्यौहार के जहाँ तक बात करबो तो हमार कुछ शास्त्र में वर्णन मिलते का बिल्कुल मिलते ना भैया देखा ओला जोर दिया जाए जी है ना छेरछेरा त्यौहार ला हम उमा जोर दे रूप एक है पर ओकर नाम अलग अलग है। अच्छा। जैसे छेरछेरा तिहार माने मांग पूर्णिमा के दिन 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 है भगवान विष्णु जी वामन रूप धर के राजा बलि के दरबार में जाके भीख मांगे और भीख मांग के तीनों लोक ला जीत ले। अच्छा। तो एक तो ये बड़े चीजों दिन हुई। दूसरा चीज जैन हमारे स्कंद पुराण है 18 पुराण में एक पुराण है स्कंद पुराण जी स्कंद पुराण के 10वें स्कंद में बात वर्णित है कि आज के दिन जिन दान करते हैं छेरछेरा पुण्य के दिन छेरछेरा पुण्य के दिन जी वो दान है अक्षय दान है एक बीजा के दान असंख्य ओकर फल देने वाला होते। तो आज छत्तीसगढ़ में वो त्योहार है राजू भैया ये त्योहार के तुलना शायद हमारे भारत वर्ष के कोनो जगह नहीं हो सके। यहाँ कौन अमीर है यहाँ कौन गरीब है कौन कौन समाज के कौन कौन समाज के एक कोई अर्थ नहीं है। बड़े से बड़े आदमी हमू मांगथन हमू जाथन कैसे बड़े दाई हो छेरछेरा छेरछेरा तो एक जन स्लोगन है ये जो शब्द है छेरछेरा ये इतना पवित्र शब्द है कि हम तो एक इथन के छेरछेरा किथन तो हम अन्नपूर्णा दाई के पांव पड़ लेते हैं। छेरछेरा छेरछेरा के बात करतन तो निश्चित रूप से उमंग उछाल लेकर मने देखो गली में निकल गए ना और मांगेला शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ शास्त्रीय विधान के बात करबो तो ये दिन बिहन्न ले हमार दाई बहनी भैया मन जाके नदिया माँ तीर्थ स्थल में जाके दान करते नहाते करो संगवारी हो आप मन जल्दी जल्दी नहा ले और देखा ना दे बेरा चढ़ा थे और दान करे के जहाँ तक बात करबो तो ब्रह्म मुहूर्त में दान करे जाए तो अच्छा माने जाते पंडित जी। नहीं ठीक है ब्रह्म मुहूर्त के दान है राजू भैया आपके हिसाब से बिल्कुल सही है पर एक ऐसा ही त्योहार है ना जहाँ बिहनिया हो जी जहाँ चिरई चुरगुन अपन पंग पंगाइस बेरा पंग पंगाइस अथोका जहाँ शुरू हुई तहाँ नान नान लड़का मन एक घर ले वो घर जाना शुरुआत कर देते और जिन मैं अपन देखा था आज शुरू से जिन देखा था बिहन्नल जिन शुरू हो गए वो पता नहीं कतका बेर समाप्त हाँ हाँ और देखा आज लड़का मन ना कल छेरछेरा मांग जाबूगे के अभी ले देखा झोला धर के अपन काहे दस नंबर सूते रहे हैं और कथे चला रहे गुड्डू चला रहे पलटू चला मांगे जाबो छेरछेरा और छेरछेरा हम लड़का भर मन के बात नहीं करते सियान के बात कर वो पंडित जी हमर दीदी बहनी मन के बात कर हर समाज के बात कर वो हर वर्ग के लोग और कथे ना कि दान देना और दान देना दोनों के महान पर्व अन्न त्योहार मनाथन। देखा भारत में कर अलग अलग नाम हो सकत है मैं अपन ढंग से बोला था भारत में कर अलग अलग ढंग से नाम हो सकत है कहीं एला अन्न कुटुम कथे कहीं एला पोंगल कथे पर हमार जिन छत्तीसगढ़ जिन अन्न के दान बरसते वो दिन अन्न के दान बरसते हमार नजर में हम तो छत्तीसगढ़ से भैया हमार नजर में एकल ले बड़े कोनो दान नहीं है माँ से दूसरा चाहिए गरीब से गरीब जेकर घर कुछ नहीं है तेनों होकर ले पहली व्यवस्था करके दो चार टुकड़े धान ला अब वह जो ऑर्डर थे अब वो दान के वह दान करते पहली जिन हमारे रहन राजू भैया पुत्र थी उमा कोदो के जिन दान रहे धान के साथ जिन कोदो के दान रहे पत्रो धान ओकर जिन दान करे ना वह और देखनी रहे। और जहाँ तक बात कर संगवारी हो आज देखो छेरछेरा के त्यौहार छेरछेरा पुण्य नहाल हमारे संगवारी में शुरू कर दे दीदी बहनी भैया मन और देखाओ तो आज दिन जगत जननी माँ शाकाम्भरी घरों के जयंती हम मनाथन शाकाम्भरी माता के जहाँ तक बात करबो तो साग भाजी के खेती करते हैं और एखन आराधना करे जाए हम ये कह सकते हैं कि आज के दिन देवी शक्ति के आराधना करत हन तो अवैया समय में हमारे फसल के उत्पादन बढ़िया हुई ये बात घलो है बिल्कुल साबित होते तो पूछा ओकरे से तो शुरुआत हो है राजू भैया शुरुआत ही ओकरे से हो है जी शाकंभरी माता देखा महादेवी के विराट हो माते जगदम्बा के विराट हो जल के
जतका जीव है, जल के जीव है, ओकर जब ओकर से उत्पत्ति हुई माता जगदम्बा से, तो जल में जतका जीव है ओला पैदा हुई, ओकर कारण ओकर नाम हो गए जलेश्वरी, जल के देवी। जी जी। और अन्न के उत्पादन करे मा, अन्न के उत्पादन करे कारण ओकर नाम हुई अन्नपूर्णा। और साग भाजी जतका प्रकार के जे हम अन्न भी जोड़ दें भैया, चना घलो माता शाकाम्बरी को, और चना घलो माने अन्न, ठीक है, सबसे बड़े अन्न माने गए धान के पास चना, बटर है, और जतका प्रकार के साग भाजी है यह अन्न के है रूपे। ओहा जिन हमारे पुरखा मन हमारा जिन बता रहे थे कि शाकम्भरी माता ही है, ऊपर ले जब अन्न धरती में हमारे छत्तीसगढ़ में जब फेंकिस ना, तो ओकर से छर छर के जेन आवाज आई। अच्छा, ओई छर छर हा हमार छेर छेरा, मतलब अन्न के वर्षा जब होई तो उसमें छर 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 जेन आप मतलब ध्वनि सुनाई। एमा हमें तो गीत भी गा रहे हैं ना भैया, तो लेवा सुनावा हमें कार्यक्रम के दिखाई। एमा काहे हमें कुछ जस गीत भी गा रहे हैं। हाँ, लेवा सुनावा। मायन पूर्णा माँ जगदम्बा तोर पैया में पखार दाइया नो, वाह 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 वाह, माँ जगदम्बा हे छेर छेरा मायन पूर्णा दाइया नाया नो, मायन पूर्णा मायन पूर्णा माता शारदा भवानी, माता शारदा भवानी माँ शाकाम्बरी देवी अन्नपूर्णा। एक छिरछिरा के जी तक बात कर वो हाँ। तिवारी भैया, तो छिरछिरा शब्द लगलो माता जी से जोड़े जा सकते का? हाँ हाँ बिल्कुल। शाकम्भरी मैया जन है जी, जिन देवी के विराट रूप है, देवी के विराट है, जल के जीव ओकर देवी जलेश्वरी, ठीक है ना, भुवन के देवी ओकर रूप भुवनेश्वरी, ठीक है ना, मने जिन पुण्य से अक्षय पुण्य लाभ बढ़ाने वाले है तारकेश्वरी, उसने माता अन्नपूर्णा के एक नाम है जेला कहे जाते शाकम्भरी। अच्छा, तो ऐसा हमारे पुरखा मन हमला बताए रही है, हम एक गाँव में जाकर पूछे रहे दादा मैंने कावर बनाए जाते हैं। हाँ। तो बोल बताइस कि अन्नपूर्णा माता जिन है मैंने शाकम्भरी माता, आज के ही दिन, अच्छा पुण्य के दिन, छेछेरा पुण्य के दिन, छेछेरा पुण्य के दिन, ओहा जब ये धरती में अन्न ला जब छेचिस, बहुत दुकाल पड़े बताए, बहुत दुकाल पड़त रहे हैं, तो हमारे पुरखा में जब देवी आराधना करी, वैसे भी देवी के माता माटी का हाथ राजू भैया, तो जब वो देवी की आराधना करी तो माता शाकम्भरी है साग भाजी ला तो पैदा करबे करी, छर छर करके सब अन्न जब छिचिस ना, वही है हमारा आज के छेरछेरा तिहार। और जिला हम अन्न दान के तिहार के रूप में विशेष रूप में मनाथन संगवारी हो, आपो मन अन्न दान कराओ, अन्न दान करे ले कथे न तो धन घटे न काहे होए, तो यहाँ तक बात करते हैं हमारे पंडित शिव कुमार तिवारी जी, दान कर धानी का बात के चेत करना चाहिए, देखो शास्त्री विधान में देखा दान। अब ऐसे है राजू भैया, एमा मूल रूप से अन्न के ही दान होते जी। आजकल हमारे सियान मन कहूँ जो कौन जेकर घर नहीं है दान उमन पैसा वो सभी देते है ना, तो एमा जे हमारा स्लोगन है छत्तीसगढ़ के सबसे जुन्ना गीत छेर छेरा छेर छेरा, हाँ। माई कोठी के धान ला हे हेरते हेरा, पर ए दिन बहुत झन जे हमारे छत्तीसगढ़ के जिन वासी है ओमन डंडा नाच नाच के घलो मांगते टीम, वाह वाह वाह, मतलब छेरछेरा के दिन घलो हमारे आदिवासी भाई मन के बात करबो तो मन डंडा नाच के विधान ला करते, और डंडा नाच नाच के एक अंग में दूसरे अंग में जाके बढ़िया अन्न दान ला सकते थे, और निश्चित रूप से डंडा के बात करबो तो ये प्रचलन आदिवासी भी मन नहीं। हाँ, आदिवासी मन तो जहाँ हमारे तो धरती आदिवासी आदिवासी मन से कहे जाते भाई, आज जिन्हें हर समाज के है ना, कभू कहू में देखे हैं हारमोनियम धरे है, तबला धरे, ढोलक मांदर धरे है, ढोलक मांदर धरे है, और मस्त डंडा नाचत अपन चले जाते हैं, तो जिन डंडा है वो डंडा मां हमारे जिन पुरखा मन गीत गावे है आज के दिन ओला विशेष रूप से गाते हैं। तो लेवा स्वागत है आप मन के हमारे कार्यक्रम के, सुनिए संगवारी मला डंडा भी सुना देवा। तरिहरी नाना मोर नाना रे भाई, तरिहरी नाना मोर नाना रे भाई, तरिहरी नाना मोर नाना रे भाई, कौने नगर मा जावे रे भैया, अन्न के दान सबो मांगे रे भाई, तरिहरी नाना मोर नाना रे भाई। ये डंडा गीत में सबसे बड़े जेने विशेष चीज है राजू भैया, और तो डंडा के नाच है ही है, इमा जेन कुकी पड़ते जेन कुकी पड़ते, एक कुकी के विशेष अंदाज है, एक बिना डंडा गीत नहीं हो सका, पूरा
लय ताल के संग डंडा गीतला गाए जाते नाचे जाते कहो। हाँ ओहा जिन इमेजिन कुकी पढ़ते ना, अब जैसे डंडा गीत मा के साथ साथ हमार औ आगे जिन हमार पुरखा मन गाता है ओमा गावे घर घर मांगा थे अन्न के दाने, घर घर मांगा थे अन्न के दाने, नाचत नाचत झूमे सबो रे भाई, तरिहरी नाना मोर नाना रे भाई, तरिहरी नाना मोर नाना रे भाई। वाह वाह पंडित जी श्री कुमार तिवारी जी, आप करा छेरछेरा के वैज्ञानिक महत्व धार्मिक महत्व के संग संग एकर संस्कृति के बारे में विस्तार ले जानकारी तो हम लेवेज करबो। हाँ। लेकिन पहली संगवारी मल्ला पहली ब्रेक पर रुकत हम तो संगवारी हो आप मल्ला छेरछेरा के वैज्ञानिक महत्व धार्मिक महत्व के बारे में बढ़िया जानकारी पंडित श्री कुमार तिवारी करा अनुभव लेबो, लेकिन रुकत हम ब्रेक पर देखाओ। ब्रेक के बाद स्वागत है अभिनंदन है झोंका फेर हमर जय जोहार लाओ छेरछेरा के बात करो फिर आप लोग बधाई देतन और हमर बीच बैठे हैं हमर पहुना पंडित श्री कुमार तिवारी जीवन स्वर सम्राट है जहाँ तक बात करते पंडित श्री कुमार तिवारी जी वैज्ञानिक महत्व के बात बताया आप ले हम जानना चाहते हैं। पहली 19वीं शताब्दी के बात करबो आज तो हम 20वीं शताब्दी में पहुंच गए हैं। छेरछेरा के महत्व और सांस्कृतिक गतिविधि के बात करबो कुछ फर्क नजर आप लाते का बहुत आते बतावा। पहली देखा महू हो कोई बहुत झुंडा नो हो 53-52 साल के उम्र है जी और हमू मन जिन दान मांगे आन जिन दान मांगे शुरू कर रहे हैं अपन उम्र के अरे 4-5-6 साल शुरू हो गए इस लाख थे। हाँ, हाँ, नाले पल्ले। हाँ, तो ये जिन अभी के अनुभव हैं हम बता थन पहली जब हमार त्योहार ला हमार सियान मन मनावे तो ओ बखत प्रभात फेरी निकाला है गाँव में और जैसे डंडा के साथ तो अन्नदान मांग भी करते प्रभात फेरी के साथ यार भगवान शंकर की पूजा आराधना अन्नपूर्णा माता के पूजा आराधना के साथ हमर जिन पुरखौती जिन सांस्कारिक मने जिन रहे जिन संस्कार है वो वहां से अन्नदान मांगना शुरू करे ओ बखत एक बहुत जुन्ना गीत गावे स्वागत है। बुढ़वा सवारी बाबा डमरू वाले सीताराम कितना बढ़िया गाना है हमारे पुरखौती गीत है बनायनो है। अरे बुढ़वा सवारी बाबा डमरू वाले सीताराम अन्नदान देवोदाई आयन तुम्हार द्वार वो बैला सवारी बाबा डमरू वाले सीताराम छेर छेरा दाई छेर छेरा वो छेर छेरा दाई छेर छेराबो आये हमन तोर दुआरी अन्नदान ते दे दे मैया बुढ़वा सवारी बाबा डमरू वाले सीताराम। कार्यक्रम के शुरुआत में पंडित श्री कुमार तिवारी जी मन बता रहे हैं के जगत जननी माँ भगवती पार्वती जी मन आज एक दिन मतलब माघी पूर्णिमा के दिन ला चुन के भगवान शंकर के आराधना ला करें और जहाँ तक बात करथन छेरछेरा के बात करबो के चाहे कोई पुण्य के त्यौहार के बात करबो के कोई भी त्यौहार बात हो विशेष पर्व लेके आते पंडित जी तो हम जानना चाहते का आज घलो भगवान शंकर के आराधना करे जा सकते का। बिल्कुल करे जा सकते। देखो भैया एक बात तो मैं निश्चित रूप से कहा था जी हमारे छत्तीसगढ़ के जिन छत्तीसगढ़िया बना रही से संस्कार वह बहुत नादाज चले जाते चाहे छत्तीसगढ़ के शब्द रहे चुआड़ी की भी ताज के लिखा मन नहीं जाना पखौरा पखौरा पिरावा थे तो भी ताज के डॉक्टर मन नहीं जाने अंगाखाला नहीं जाना भदेल नहीं जाने हर फोड़वाल नहीं जाना है ना भाई जैसे कभी कहा होते बरदौल है बर्दी है ये मल नहीं जाने तो जिन हमारे जिन त्योहार है ये ला ये बात के जरूर मन मन में कभी शंका थे कि कभी एक नामो हा कुछ चेंज हो जही का एक नामो को बदल नहीं का तो ये जिन संस्कार जिन हमारे रही से आप देखो आप गली गली जाके जिन दिन बिहन्ना छेरछेरा तिहार या कोनो तिहार है सबसे पहली तो थोड़ थोड़ चढ़ा लेते हाँ 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 ठीक कहा था ना भाई बिल्कुल ओकर बाद थोड़ थोड़ है मांग माने अन्न के दान मांगा थे अरे भैया अन्न के जिन धन आप ला मिला थे ओलत ले जाके आप ला अपन कोठी में डालना चाहिए ओकल ले बड़े कोई धन तोर घर में नहीं आते 10 घर के जिन अन्न के दान है 50 घर लेते मांग के लावत है ओला तोर घर के
कोठी में डाल, माई कोठी में डाल, ओकरे पर कहे भी गए है माई कोठी के धान ला फेरा, है ना। तो हम तो ये निवेदन करबो छत्तीसगढ़ से भाई के जिन हमारे पुरखा मन मना चले आए है, मंद है, दारू है, ये सब के नहीं होना चाहिए, नशा पाले दूर रहे, नशा पाले दूर रहे, तभी कोनो त्योहार के मजा नहीं। कोनो में पड़े है, कोनो में पड़े है, कोनो में झगड़ा हुआ थे, झाटा हुआ थे, कोनो कुछ हुआ थे, अने त्योहार बार के रंग फीका पड़ जाते, कहो फीका नहीं, गाँव गाँव पुलिस पहुंच जाते, ये नौबत तक है। और जहाँ तक बात करते हम वैज्ञानिक महत्व के बारे में, आप बता था धार्मिक महत्व के बारे में घलो बता था, और ये त्योहार ला मनाए बर संगवारी हो पूरा वातावरण है संग देते, तो देखा आज के दिन कुछ संकल्प घलो ले जा सकते, बिल्कुल ले जा सकते है ना। एक तो अन्न माता तोर घर में आवत है, है ना भाई, तोरो घर ले अन्न माता जाके, प्रकार से तो कहे जाए कि ए दिन अन्नपूर्णा माता हा स्वयं धरती मा हर घर में जाते, एक घर ले निकल के वो घर जाही, एक घर ले निकल के वो घर जाही, तो हमें मान ले राजू भैया कि स्वयं अन्नपूर्णा माता हा हर घर ला आशीर्वाद दे दे के घर ले वो घर, एक घर ले वो घर, एक घर ले वो घर परिक्रमा नहीं करती। हम आपसे जानना चाहबो कि जब अन्नपूर्णा माता एक घर ले लड़का मन जाते वहां जाते, जिन हम अन्न के दान लेवत ने घर ले वो घर जाथन, ने घर ले वो घर जाथन, ने घर ले वो घर जाथन, तो एक प्रकार से हमार हाथ में अन्नपूर्णा माता बैठ के एक प्रकार से हमार छत्तीसगढ़ के घर घर के परिक्रमा कर दी, ओकर पा परत हो। देखो ये तिहार संगी हो, नारे लेका के बात करबो, किसान करबो, हमार महतारी घलो के बात करबो, लेकिन धीरे 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 हमार संस्कृति के जे प्रदूषण जिसे आप मन कहे हाँ। वो प्रदूषण घलो हो जाते, और डंडा नाचा के जहाँ तक बात करबो तो कतका उमंग उछाले भरे लोगर मन डंडा नितल करते, आप मन तो सुन कर डाले है ना, निश्चित कर डाले हो, तो पंडित शिव कुमार तिवारी कराए क्या हम भजन सुना था देवा तिवारी जी हमारे कार्यक्रम के सुनिश्चन सुना था भैया। हाँ स्वागत है आपके। खेले हो चारो भैया आंगनवा मा खेले हो, वाह वाह वाह, डंडा गीत के सबसे जुन्ना परपाटी राजे भैया, हाँ, हाँ, हाँ। सबसे जुन्ना गाना है, एक एक अलग ढंग से का डांस होते। खेले हो चारो भैया आंगनवा मा खेले हो, छत्तीसगढ़ के गांव गली गली नाचे आना पुराना हो, खेले हो चारो भैया आंगनवा मा खेले हो। वाह कतका सुघर बात ला बताते, और छेरछेरा में जब डंडा गीत चलते तो निश्चित रिपोर्ट देखिया संगवारी हो, राम कृष्ण रहीम सबों के दोहा जब पाइला शामिल करे जाते, और निश्चित रूप डंडा गीत था ये देखो भजन घलो है अन भाई, तो का तिवारी जी लंग जिन डंडा गीत चलते वहाँ भगवान की आराधना घलो शामिल है, ये आराधना तेरा जो भैया हाँ। आराधना के साथ साथ हाँ। जस गीत के जस गीत भी एला हम जस गीत में गा सकते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख गीत है जस गीत, जस गीत में भी डंडा गाए गए हैं, जैसे हम शुरू में आपको सुनाते रहे हैं ना, मायन पूर्णा वो मायन पूर्णा घर घर माँ बिराजे अन्नपूर्णा वो, छत्तीसगढ़ छेरछेरा आगे मांगत हवे दान देवे दान वो, माँ अन्नपूर्णा वो माँ जगदम्बा वो माँ शाकंभरी भवानी माता दुर्गा वो, दाई अन्नपूर्णा वो दाई अन्नपूर्णा वो गली गली गांव गांव अन्नपूर्णा वो। संगी हो आप सब जानत हो अन्नदान के संगे संग जहाँ तक बात कर दो शास्त्र में विधाना थे दान शब्द जब आते तो कथे ना कि दान जब कोई देते तो उमा कुछ चीज घटे नहीं हाँ। पंडित जी कर फिर पूछा था पंडित जी आप स्वर सम्राट हो भजन सम्राट हो और हर पक्ष में देखियो तो आप मन के भजन के शोर पूरा छत्तीसगढ़ में थे, हमार मन में थी बात आते चूंकि आप मन मानस के अच्छा ज्ञाता घलो हन भाई, अरे नहीं हन भाई, तो हम आपने जानना चाहते का ये दिन गोदान घरों के महत्व है। देखा दान के अलग अलग रूप है, गोदान अन्नदान स्वर्णदान विद्यादान है ना भूदान, तो अब दान तो ऐसे है राजू भैया शक्ति के अनुसार ही दान देना चाहिए ना भाई, जेकर जैसन शक्ति है जेकर जैसन सामर्थ्य है कोनो धान के दान करते हैं, कोनो ऐसा भी आते कि को मने जब चूंकि हमारे जिन किसान मन के प्रमुख अस्त्र शस्त्र है प्रमुख भगवान है ना, प्रमुख भगवान का है बैला
है ना, पहला है हमार जिन घर छत्तीसगढ़ के जिन हमार देवी है और असली पूंजी है, असली पूंजी है छत्तीसगढ़ में जो देवी रूप में हम स्वीकार करे हैं गौ माता, गौ माता ला भी हम भोजन करते हैं। तो मैं कई घर में देखे हूँ कि घर के सियान सियानी मन अपन हाथ ले निकाल के सबले पहली गरुआ दा मारे गौ माता ला अन्न के दा मने भोग लगा खवाही और पैदल खवाही भैंसल खवाही और जेकर जैसन सामर्थ्य हो गए कोनो गौ दान करत है कोनो अन्न दान करत है कोनो द्रव्य दान करत है अरे रुपया पैसा घलो तो द्रव्य दान हो गए कोनो वस्त्र दान करत है और कोनो ज्ञान दान करत है जेला हमन विद्या के दान कहते हैं। तो आपके बात बिल्कुल सही है राजू भैया। और जहां तक बात करते हैं शास्त्र विधान मिलते कि गौ माता है इसे शक्तिशाली देवती देवता 33 करोड़ देवी देवता के निवास रहते हैं इसे शास्त्र कहते और उखर मूत्र के बात करबो के गौ के गोबर के बात करबो वही में क्षमता है कि हमारे धरती के जिन विषाक्तता है ओला शुद्ध कर सकते। देखो पहले हमन छेरा तिहार ल मनावन आ कोनो तिहार ल मनावन तो घर अंगल गोबर ले हमन लिखन पड़े गोबर दे बछरू गोबर दे हन भाई आज गोबर में लिखे के लिपे के जिन प्रथा है लगभग लगभग गांव खलो नदाद जाते हैं। इस संदर्भ में आपके विचार जरा देखा गोबर गोबर ला आखिर का हो जिसे आप पता है ना कि गरुआ माँ 33 कोटि देवता और संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। जिन कोनो भी कारण से अगर कोनो तीर्थ नहीं जा सकते है कोनो कारण से कोनो दान पुण्य नहीं कर सकते है ओला जिन हमारे शास्त्र बताए है ते अकेला गौ के दान गौ के पूजा कर ले तो ना सब मिल जाए। अब गौ हमारे जिन छत्तीसगढ़ है एमा गोबर में लिपे के परिपाटी के मतलब ये होता राजू भैया कि जब पूरा देवी देवता के धरती में गौ माता में समा गए तो लक्ष्मी माता नहीं आई। जब लक्ष्मी माता नहीं आई तो लक्ष्मी माता के अपमान होने लगे कि अहंकार है आखिर में हार थक के लक्ष्मी माता गौ माता स्वाइस कथे माता माहौल जगह दे गौ माता पूछते तय कौन है तो कहते मैं लक्ष्मी हूँ तो कहते मैं तोला का करी हूँ आजे घर वहां सो घर वहां तय कहां कब जावे तो उनको जाना नहीं जी। तो कहते नहीं माता माहौल तो जगह दे तो गौ माता ऊपर से बचन ले कि मैं जिन की तिल मानवे तब फिर मैं तोला अपन शरीर में मैं तोला जगह दे हूँ। लक्ष्मी माता के अन्नपूर्णा माता के वचन देह से कि तय जिन की भी तिल में कही हूँ माता हा ओला अपन गोबर में निवास करा है गौ माता हा। अच्छा और ये कहे कि जिन आदमी या जिन घर के माता बहनी अपन घर के अंगना ला खास करके अंगना ला जी परछी ला मोर गोबर में लिखी ओकर घर लेते कभी मत जावे अथा धन संपत्ति ते वहाँ चल रूप में अचल रूप में ते वहाँ अचल रूप में ते विराजमान। और संगी हो आप सब जानत हो गाय के गोबर के जहाँ तक बात कर वो वैज्ञानिक मन कथे वह एंटीबायोटिक घर के जिन अंगना घर द्वार है गाय के गोबर में नहीं पाते वहाँ बीमारी है जल्दी घुस रहे नहीं ये बात के चेत करना है। आवाज छेरछेरा पुण्य है तो हमला संकल्प घलो करना है कि गौ माता ला बचा के रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा घलो लगाना है। पंडित जी जहाँ तक बात करबो कार्यक्रम के शुरुआत में आप बता है आयतिहार है अन्नदान करे के तो है भाई और संकल्प घर कर इतिहार के भाई आज के दिन मैं पेड़ पौधा बचाऊं जंगल ला बचाऊं गौ माता ला बचाऊं। शेर राजू भैया आपका विचार जाना अगर गौ माता नहीं रही हमारे छत्तीसगढ़ में पेड़ पौधा नहीं रही तो ये छत्तीसगढ़ के जो माटी है हमारा जिला छत्तीसगढ़ के माटी है ना जिला छत्तीसगढ़ के माटी धान के कटोरा हमारे छत्तीसगढ़ का हाथ है अगर यहाँ पेड़ पौधा कटा गए तो मरुस्थल बने में कब तक टाइम रही जे हमारे यहाँ की नदियाँ है बारह महीना पानी छलछलात रहे आज नदियां में सूखा पड़ चले जा रहे हैं ओकर कारण है पेड़ पौधा का कटाव होना। तो आपके बात 16 आना सही है आज जिन आज हमारे तिहार है छेरछेरा ये दिन हम अन्न के दान तो करी पर अन्न देने वाला धरती माता के हम सम्मान करें। हमारे लक्ष्मण वसुधा जी ये धरती के बारे में बहुत बढ़िया गीत गाए है सुनावा। मैं बंदा था दिन रात वो मोर धरती मैया जय होवे तो मोर भारत भूया जय होवे तो। देखा कितना बड़े बात लिखे मसूले जी बड़े बिहनिया सूत उठ के तोरे पैया लागौ सुरत जोत मा करौ आरती गंगा पांव पखारौ फिर काया फूल चघाव काया फूल के मतलब ये शरीर लकाया हाँ। फूल मान के छत्तीसगढ़ महतारी मां अर्पण करने वाला गीत ये गीत है फिर काया फूल चघाव ओ मोर धरती मैया जय होवे तोर राजा परजा देवी देवता तोर को रामायण। राजा भैया हाँ। देखो
जतका बड़े बड़े ऋषि महात्मा है, यहाँ तक कि हमर राम आराध्य जिन धरती के हमर रामचंद्र जी है, ओकर मामा गांव हमारे छत्तीसगढ़ है। हम तो एक ही वो कि छत्तीसगढ़ के भाषा है भगवान राम। हाँ, हाँ, चारों भाई ठीक कहा ना, ठीक है, स्वागत है। राजा पर जा देवी देवता तोर को राम आये, जैसन सेवा करें तोर वो तैसन फल पाइन, तोर महिमा कतक बखाना वो मोर धरती मैया, जय हो तोर मोर भारत मोर छत्तीस भूया, जय हो तू। हाँ, पंडित शिव कुमार तिवारी जी छेरा तिहार के महात्मा महाका महर महर महका महावा थे। छेरा तिहार के सुगंधा महर महर महावा थे और छेरा तिहार के महत्व ला बताए बर पंडित शिव कुमार तिवारी हा आवा थे। अगोरा दिया ब्रेक के बाद फिर सुनबो। छेर छेरा छेर छेरा छेर छेरा और माई कोठी के नाला हेर हेरा हेर हेरा हेर हेरा और न्यूज 36 के विशेष कार्यक्रम छेर छेरा में फिर आप उनके स्वागत करत हन और फिर आप मन ले जात हन पंडित शिव कुमार तिवारी जी। पंडित जी फिर हम अपन कार्यक्रम में ब्रेक के बाद स्वागत करत हन और जहाँ तक बात करत हन छेर छेरा मांगे बर शुरू कर दे लैका मन और देखा ठाढ़े मझलिया हो गए तो भूख खलो लगते। हमर दीदी बहनी दाई मन आनी बानी के पकवान बरा है बोबरा है चीला है फरा है नवा चावर के बनते। हाँ। आप मन के घर बनते के नहीं बनते। हाँ। बनते देखा जिन हमार जैसे बरा बुबरा कहे है ना। हाँ। हमार जिन पुरखौती पकवान है जी मोर ख्याल से तो यहाँ अब बहुत कम जगह बना तो है राजू भैया। चीला हाँ। चौसेरा दूध फरा है ना और बरा है ना गुलगुला है ना जी अरसा है ना ये हमार छत्तीसगढ़ के पकवान है। खुरमी क्षेत्री है जैसे तीजापुरम आते बरा है बोबरा है तेना पीतर पाक माते हर तिहार के अलग अलग पकवान घलो है। हमार जिन ये है ना ये आपके छछेरा एमा एमा के एक दूहा हमार शहर के तो बात नहीं करी हम पर हमार छत्तीसगढ़ में जब तक हमार दाई बहनी मन के आशीर्वाद है हमार दाई बहनी मन बनाने वाला है हम तो वही मन पूर्ण रखे तब तक के हमार रोटी पीठा नहीं नदावे। एमा भी हम एक तो पहली गीत गा रहे हैं। स्वागत है आपके सुनाओ हमारे कार्यक्रम में देखिए ना। आशीर्वाद दे दो मैं छत्तीसगढ़ के बेटा आशीर्वाद दे दो मैं छत्तीसगढ़ के बेटा जोगी राज मन को मैं राजिम के मिलाया आशीर्वाद दे दो मैं छत्तीसगढ़ के बेटाया चीला चेवसरा बरा सोहारी औ मैं खाथो मन भर के चीला चेवसेला बरा सोहारी जी भर खाथो मन भर के छत्तीसगढ़ के रोटी पीठा जी भर खाथो मन भर के मही ऐसा मही फरा मही घारी चौसे लाया आशीर्वाद ले लो आशीर्वाद दे दो मैं छत्तीसगढ़ के बेटा। अन्नदान के त्यौहार छेरछेरा में निश्चित रूप से बड़े और छोटे सबके आशीर्वाद लेना है और इलम तो भेदभाव बिल्कुल भुला जाता और कार्यक्रम की शुरुआत में स्वर सम्राट पंडित शिव कुमार तिवारी मन राजा बलि के चित्रण घलो करीने जिक्र करीने और छत्तीसगढ़ के माटी इतका समृद्ध है जहाँ बड़े बड़े दानी मन अवतार लेके जबल उदाहरण प्रस्तुत करी। आप मन जाना तो राजा मुरध्वज के नगरी कहे जाते रतनपुर क्षेत्र संगवारी हो। हाँ पंडित जी जहाँ तक बात करते हैं जब त्यौहार बार आते तो निश्चित रूप से हमारा अपन पूर्वज के सुरता करता यहाँ रही राजा दानी मन के अने सुरता करता का छत्तीसगढ़ के ऐसा राजा है जिन मन घलो एक संदेश दिन समाज पर बिल्कुल दिन जैसे भामा साहदेव जी भामा साहदेव जी है जी वो अपन पूरा संपत्ति से दान कर दे एक प्रकार से ऋषि मुनि के यह ऋषि मुनि के ही यह एक प्रकार से दरबार है। बिल्कुल एक तो का है हमारे पूरा जंगल रही से ये जंगल रही से यहाँ राम भगवान राम के वनवास के अधिकांश समय ला वो इन्हें काटे है हमारे बस्तर में जिला हम दंड कारण पीठा उसने यहाँ लोमस ऋषि श्रृंगी ऋषि श्रृंगी ऋषि नहीं होती तो राम कहाँ ले आती। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काज सुभयज्ञ करावा
तो भगवान राम ला अवतरण कराए बर पैदा कराए बर श्रृंगी ऋषि अवशिष्ट ऋषि इकर भी ये धरल माने जाते श्रृंगी ऋषि मतलब सिहावा जी है ना। राजिम जिन है हमार लोमस ऋषि के आश्रम माने गए हैं जैन हमार मंदकू है राजू भैया मंदकूला मांडव ऋषि के आश्रम कहे गए है अच्छा। ना तो जतका प्रकार के ऋषि मुनि के यह आश्रम है। फिर हमार जैन राम जी के हमार रामचंद्र जी के जैन माता है कौशल्या माता वह हमार जगत माता है छत्तीसगढ़ माँ वह छत्तीसगढ़ होकर मई के अन्नपूर्णा माता के रूप में कह सकते पूरा कह सकता था भैया राजू भैया और अन्नपूर्णा ही के अन्नपूर्णा ही है वो है ना भाई जेकर घर में स्वयं सीता बहु बन के जाए वो कम बड़े नारी होगी है ना भाई। तो कौशल्या माता के बहु बने के स्वयं आसे मने पूर्ण प्राप्त काला हो है स्वयं अन्नपूर्णा माता मतलब माता अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा घर बिहार गई बिल्कुल तभी आज कहथन छेर छेरा छेर छेरा छेर छेरा माई कोटिक धाने लहेर हेरा छेर छेरा। अब संगवारी हो जहाँ तक बात करता हूँ कार्यक्रम के शुरुआत में पंडित शिव कुमार तिवारी जी मन स्कंद पुराण घरों के वर्णन करी राजा बलि के बात करी तो हमारे मन में ठी बात आ गई। देखो पंडित शिव कुमार तिवारी जी कोनो उत्सव ला मनाथन कोनो तिहार ला मनाथन तो निश्चित रूप ले सादगी होना बहुत जरूरी बहुत जरूरी है भाई। लेकिन हमन मुनि जन धन सब के यही रीति स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। देखो अपन स्वार्थक नाल के तिहार बार में छेरा दिन देखिया तो घरों घर तक कोई संगवारी मन जंगल क्षेत्र में बोकरा घरों काट देते काट से भैया मुर्गी काट से भाई कुकरी जरा हमर मैं समझता हूं कि हमारे सांस्कृतिक प्रदूषण के एक रूप है। अरे भाई वो कौन समाज तिहार हो कहते दूसर जीव के हत्या करके अपन जीव ल सुख देवा जैसा आप बताए हो ए जिन है स्वार्थ लाग कर सब प्रीति असुर नर मुनि सब का यह रीति। मैं ये कहना चाहता हूँ राजू भैया वो कुकरी और बोकरा ओकर मारे बिना भी तो तिहार ला हम मना सकत हन आराम से आराम से बिना मंद पिए दारू पिए भी हम तिहार ला मना सकत हन है ना। अपन जीव ला सुख दे बर दूसर के जीव ला मार के हम खावत हन है ना ये कतका बड़े पाप है। फिर वो तिहार कहाँ हो सकता। जहाँ तक संस्कृति की बात करबो तो निश्चित रूप में छेरछेरा तिहार है पंडित जी हमला सांस्कृतिक के एकता धनों के एक संदेश देते हैं बहुत बड़े भैया बहुत बड़े एक तरह से। आज देखो जब वो जब दिन में जब जाके जब आदमी अन्न के दान मांगे बढ़ जाते तो वह हर समाज रहते हर समाज के आदमी एक दूसरा ला गला लगाते खुशी में एक दूसरा ला मैंने गला लगाते और एक साथ मिल के जैसा आप बताए हो हर आदमी हर समाज छोटे बड़े जत का है एवं उम्र के भी बंधन नहीं रहे लड़का मन के टोली में मंझला मन के टोली में बड़े बुजुर्ग मन के टोली में घर घर जाके अपन अन्नपूर्णा के मने अन्नपूर्णा माता के आशीर्वाद ले थे। दूसरा चीज मैं कई ठो गाँव माता बहनी घरों में ला जाके मैं अन्नकूट में और अन्नपूर्णा माता के दान छेरा के दान लेवा हमला लजाना नहीं है हमला ढेरियाना नहीं बल्कि जितका ज्यादा हो सके आज के दिन अने माघी पूर्णिमा के सही उपयोग कर अन्न दान दे के संगवारी हो जात जात हम पंडित शिव तिवारी तिवारी तो यही करना चाहते हैं। पंडित जी न्यूज 36 जिन हमारे आवाज चैनल जनता की आवाज निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ी में गुठिया थे छत्तीसगढ़ी में संदेश लगभग रहा थे जन जन तक आप मन का आशीर्वाद देना चाहता हो। बहुत बड़े काम करे भैया लोक संस्कृति ना जी सब मने बचाए बर बचा के रखना संग्रहित करना और पूरा के पूरा छत्तीसगढ़ी भाखा में एक पूरा नेटवर्क चलाना पूरा अपन न्यूज चैनल चलाना ये हाँ महान काम छत्तीसगढ़ी में हम केवल छत्तीसगढ़ी में यह एक महान काम है। हम न्यूज 36 के जितका भी एक मने अंग है कहा जाए जितका यहाँ काम करने वाला जितका हमारा यूनिट है सब ला मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि छत्तीसगढ़ के लोक कला छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति और छत्तीसगढ़ के लोक परम्परा ला बचाए के खातिर आप जैसे भी यदि छेरछेरा के कार्यक्रम हुआ थे एक पूरा कार्यक्रम के जनता ला हम समर्पित हमारे माध्यम से समर्पित करावा थे। मैं ये नहीं कहूँ कि छत्तीसगढ़ में पूरा चैनल कोनो चैनल हो ही नहीं करात हो ही पर मोर जहाँ तक विश्वास है न्यूज 36 जिन है ये छेरछेरा तिहार ला जिन हमारे प्रमुख त्यौहार है कहा सबले बड़े त्यौहार का त्यौहार है भाई होली है पूरा देश के त्यौहार है दिवाली है पूरा मने देश के तिहार है पर छेरछेरा जिन है केवल हमारे छत्तीसगढ़ के तिहार है। जी हाँ छत्तीसगढ़िया है सब वहाँ छेरछेरा मनावा थे तो आज जिन न्यूज 36 है एला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवा था ये महान काम के। पंडित शिव कुमार तिवारी जी मंत्र होते आप हम विदा नहीं करेंगे जात जात हमारे मन में क्या बात आ गई है। संगवारी हो जब तक बात करता देखाओ
जिसे तिहार बार आते छेरछेरा की बात करबो तो ओखर बिहान भले देखा शुभ मुहूर्त शुरू हो जाते और गवई गांव में बर बिहा घलो शुरू हो जाते और ये कार्यक्रम छेरछेरा के विशेष कार्यक्रम के माध्यम रहे। हम आपने संदेश यही देना चाहते के नोनी रह के बाबू उखर बिहा सही उम्र में होना चाहिए और दाइज लेना और दाइज देना दोनों अपराध है। पंडित शिव कुमार तिवारी जी, हमारे छत्तीसगढ़ देखाओ तो संस्कृति प्रधान देश है। हाँ, तिहार बार के संगे संग हमन उमंग उछाल मनाथन और प्रकृति के संग में चल चल के अपन शुभ काम करथन और जिससे हमारे संगवारी मतलब बताएं कि ये मौसम देखा छेरछेरा के बाद बर बिहा के बाद राजा थे है ना भाई, ये संदर्भ में हम आप संदेश देना लेना चाहते हैं। अब आप तो बताए राजू भैया बढ़िया बात बताए हो और जिन बर बिहाव है अब जिन कहे हो दाई लेना दाई दहेमा हेला मोर ख्याल से एक बड़े कुछ बात नहीं हो और सरकार घलो हो। हाँ, जागो संभलो भैया रे सरकार घलो यही रीत बनाए दाहिज लेना दाहिज देना अब धरती माँ जुलुम का है। हमर बेटी बहनी संग हमरे जन्म जन्म के नाता रे महतारी के कोखल जन्मे जन्म दही से विधाता रे। वाह वाह पंडित शिव माता बहनी के बारे में बोला थोड़ा जो भैया यह पुण्य भी होही संस्कार भी होही और भविष्य के नव निर्माण में बहुत बड़े। अरे भाई कोनो घर में दाहेज ले गए तो बेटी तब बिहा लाए हस वो तो पूजा पाठ कब तक करे। और हमें कह सकत हन के बेटी ला बचाना है और बेटी ला पढ़ाना है काबर के बेटी है पंडित शिव कुमार तिवारी जी माँ अन्नपूर्णा के रूपे बिल्कुल भाई देखा अष्ट जिन आमने जिनो देवी के जो नौ रूप है। हाँ, नौ दिन में जिन देवी आते ओकर उम्र ही के हिसाब से तो ओकर नौ दिन निर्धारण करे गए। हाँ, और कहे गए बेटी बढ़ी हमार छत्तीसगढ़ तरही। और निश्चित रूप से तिवारी जी मन तो होते कि हम आपका बठियातर के आज हमार न्यूज 36 जनता के आवाज छेरछेरा के विशेष कार्यक्रम आ के हमार कार्यक्रम में आप मन भागीदार सुनिश्चित करे हैं तो सुगर सुगर फोर फोर के छेरछेरा के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बताया। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम राजू भैया और पूरा श्रोता जत का है सबला और बहुत बहुत सादर राम राम है जय जोहार है पै लगी है गाड़ा गाड़ा आपला बधाई है छेरछेरा तिहार के। छेरी के छेरा छेरछेरा छेरी के छेरा छेरछेरा अरे माई कोठी धाला है तेरा। तो संगवारी हो न्यूज 36 जनता की आवाज छत्तीसगढ़ी में गुठिया थे और छत्तीसगढ़ी में पूरा भाखा में इस संदेश ला आप तक पहुंचा थे। आवाज के हमारे विशेष कार्यक्रम छेरछेरा मा पंडित शिव कुमार तिवारी जी मन छेरछेरा के धार्मिक सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व बताई निश्चित रूप ले आप मन ला अच्छा लगी सोही और फिर संग महेंद्र साहूला दो विदा जय जोहार राम राम। छेरी के छेरा छेर मरकनी छेरा छेरी के छेरा छेर